वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक जबरदस्त धमाकेदार वीडियो के साथ में। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आपके लिए आ चुकी है। जी हाँ, बिग अपडेट, एनडीए सेकंड 2023 आपका जो एग्जाम डेट है, आपका जो फॉर्म डेट है, वो सारा नोटिफिकेशन ऑफिशियल आउट हो चुका है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट है, लेकिन बड़े बदलावों के साथ क्या चेंज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, उस पर भी अपन यहाँ पे बात करेंगे। पेपर पैटर्न पे भी बात करेंगे, पेपर लेवल पे बात करेंगे। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे आपकी एनडीए की धमाकेदार तैयारी आपकी चल रही है हमारे एप्लीकेशन के साथ साथ। कॉन्सेप्ट क्लास और प्रैक्टिस क्लास, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर देखिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम डेट, सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आउट हो गया है, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अगर मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, एप्लीकेशन जो फॉर्म स्टार्ट होंगे 17/5/2023, 17 मई से आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट होगी वो होगी 6/6/2023, यानी 6 जून को। और ये फी पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो, और आपका करेक्शन फॉर्म है वो लास्ट आपका यहाँ पे 6/6, और ये 7/13, यहाँ पे 7 से 13 जून आपका 2023। ये तो आपकी डेट्स होगी जो इंपॉर्टेंट डेट है वो। उसके बाद में देखिए कौन सा क्वालिफिकेशन आपके लिए रिक्वायर्ड है, ध्यान से देखिएगा, हर एक बारीक पॉइंट पे बात करूंगा। यहाँ पे अगर आप आर्मी विंग के लिए जाते हैं तो आपका 10+2 होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, जिससे भी आपने ट्वेल्थ किया है। अगर आप एयरफोर्स और नेवल में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स नेवी में जाना चाहते हैं, सेगमेंट में जाना चाहते हैं, तो आपको 10+2 फिजिक्स और मैथ्स के साथ करनी पड़ेगी। यानी मैथ्स वाला जो बच्चा है वही उस विंग में जा सकता है, एयरफोर्स और नेवी विंग में। तो ये आपका क्वालिफिकेशन हो गया। उसके बाद में एक बड़ा चीज़ है, वो है आपका DOB, जो आपका एज क्राइटेरिया है, वो है आपका 2/1/2005 से लेकर 1/1/2008 के बीच में। ये डेट भी आपकी काउंट होती है, ये डेट भी आपकी काउंट होती है, और ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये DOB आपकी है तो आप ये फॉर्म ज़रूर से फिल कर सकते हैं। और उसके बाद में वैकेंसी डिटेल आपकी अगर मैं देखता हूँ, तो आर्मी में 208, नेवी में 42 आपका हो गया, एयरफोर्स में 120, और आपका नेवल एकेडमी में आपका 25, टोटल आपका 395 आपकी पोस्ट है जिसके बारे में ये वैकेंसी आपका आउट हुआ है। अब अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूं और यहाँ पे बात करूं, आपका जो पेपर लेवल है, पेपर का जो पैटर्न है, वो यहाँ पे फी आपका रहेगा जनरल OBC के लिए 100 रुपीज, SC ST के लिए आपका फ्री रहेगा, इनमें कोई इनका चार्ज नहीं होगा। पेपर पैटर्न में देखिए, यहाँ पे दो पेपर पैटर्न में आपका है, 2.5 घंटे का पहला पेपर मैथ्स का 300 नंबर का, दूसरा पेपर आपका GAT का 2.5 घंटे का 600 नंबर का, टोटल 900 नंबर का रिटर्न और 900 नंबर का आपका SSB, टोटल 1800 नंबर का आपका ये पेपर होता है। लेकिन अब बड़े बदलाव क्या, बड़े बदलाव ये हैं कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न में जो पेपर का लेवल है वो लगभग आपका पीछे के पेपर से चेंज हो गया है। पेपर पैटर्न में आप देख सकते हैं, जो आपका मैथ्स का पेपर है उसका लेवल काफ़ी अच्छा आ रहा है। आपका GAT में अगर अपन बात करें, GK GS वाले पार्ट में काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिजिक्स में भी काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, इंग्लिश में भी। तो पेपर का जो लेवल है वो पैटर्न आपका बदल गया है, पूछे जाने का जो सवालों का है वो लेवल अपडेट हुआ है। तो ये एक बड़ा चेंज है, बड़ा बदलाव है। प्रीवियस अगर आप 3-4 पेपर देखेंगे उसके कंपेरिजन में, जो लास्ट वाला पेपर था उसमें भी ये चीज़ें आपको देखने को मिली, और आगे भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो उसी लेवल पर आपको तैयारी करनी होगी, और तैयारी के लिए मैंने कहा, अगर आपने अब तक यहाँ पर एग्जाम डेट आपका 3 सितंबर को आपका होगा, 3/9/2023 को संडे को, और इस दिन अगर आपको पेपर फोड़ना है तो आपको तैयारी करनी होगी उस लेवल पे, उस पैटर्न पे तैयारी करनी होगी। और मैंने कहा, पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम एनडी की तैयारी आपके यूट्यूब पे भी और एप्लीकेशन पे भी, आपका जो एप्लीकेशन है माई राइजिंग इंडिया, वहां पर आपका विजय बैच स्टार्ट हो गया है, और विजय बैच आपका, ये आपका फी है, कंप्लीट
कंप्लीट आपका कोर्स रहेगा। यहाँ पे टीचर्स आपको लाइव पढ़ाएंगे, जहाँ पर आपको पोल रैंकिंग लीडर बोर्ड के साथ में टॉपिक वाइज मिक्स प्रैक्टिस कंप्लीट प्रिपरेशन पूरे बैच की, एक सब्जेक्ट की नहीं है, पूरा बैच आपको मिलेगा, सारी क्लासेज आपको मिलेगी। और ये रहेगा आपका नोट्स बैच सेल्फ रिविजन, सो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, स्मार्ट वर्क के लिए नोट्स और आपके मॉक टेस्ट है। 200 प्लस CPP चैप्टर प्रैक्टिस पेपर, इनके अलावा कोई नोट्स के अलावा कोई बुक कहीं पर भी अलग से कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। और SPP यानी सेगमेंट प्रैक्टिस पेपर, एक सब्जेक्ट को चार चार टुकड़ों में तोड़ के उसका प्रैक्टिस आपको दिया जाएगा। CPP यानी एक चैप्टर का एक प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन आपको हमारी टीम के द्वारा दिया जाएगा। YIT क्लास पे जो कॉन्सेप्ट होंगे उनके नोट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स एज ए टी जो टीचर ही पढ़ाएगा वो आपको मिल जाएगा, तो रिविजन में आपको हेल्प करेगा, टाइम आपका बचेगा। और ये आपका हेल्पलाइन नंबर, उम्मीद करता हूँ अगर कोई डाउट आपका रहता है तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरा जाएगा इसका डिटेल वीडियो में आपको दूंगा, उसके बाद में आप फॉर्म भरना, ताकि फॉर्म भरने में कोई गलती नहीं हो। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से, और एक शर्त कमेंट में यह जरूर लिखना कि सर 3 सितंबर को पेपर आपका सिर फोड़ेगा, कमेंट में लिख दो, एक कमिटमेंट एनर्जी देगा, जोश देगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।